नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टीम इंडिया की ये टीम इस वक्त काउंटी 11 के खिलाफ 3 दिनी अभ्यास मैच खेल रही है। अभ्यास मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे और रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। दोनों ने सधे हुए अंदाज में शुरुआत की और इस दौरान मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा दोनों ने ही कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए। खासतौर पर मयंक अग्रवाल कुछ करारे शॉट्स लगाते नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही दोनों ओपनर वापस पवेलियन लौट गए। जी हाँ, पारी के 10वें ओवर में रोहित शर्मा 33 गेंदों पर केवल 9 रन बनाकर युवा तेज गेंदबाज लिंडन जेम्स का शिकार हुए। उन्होंने अपनी पारी में केवल 2 चौके लगाए। टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसके बाद पारी के 14वें ओवर की 4थी गेंद पर लिंडन जेम्स ने टीम इंडिया को दूसरा और बड़ा झटका दिया। इस बार उन्होंने एक खूबसूरत गेंद पर मयंक अग्रवाल को क्लीन बोल्ड कर वापस पवेलियन भेज दिया। मयंक अग्रवाल 35 गेंदों पर 28 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके अपनी पारी में लगाए। मयंक अग्रवाल खासी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि टीम इंडिया इस अभ्यास मैच का भरपूर फायदा उठाना चाहती है, लेकिन दोनों ओपनरों के इस अंदाज में फेल होने से टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भी दोनों पारियों में टीम इंडिया को ओपनर्स अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए थे। विदेशी धरती पर रोहित शर्मा की फॉर्म अभी भी चिंता का विषय है। भारतीय धरती पर रोहित शर्मा का एवरेज जबरदस्त रहता है, लेकिन विदेशी धरती पर रन बनाने की क्षमता पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। अब अभ्यास मैच के पहले ही दिन जिस तरीके से रोहित शर्मा एक खराब शॉट खेलकर आउट हुए, उससे टीम इंडिया गहरे संकट में नजर आई। आपको बता दें, दिन के खेल के दौरान लंच तक टीम इंडिया ने 30 ओवर के खेल के बाद 80 रन बनाए थे और अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट भी गवा दिए थे। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान मयंक अग्रवाल को ही रोहित शर्मा का ओपनिंग जोड़ीदार माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।